Hello student, today we shall read the poem Middle Age by Kamala Das. Poem 4, Middle Age. This poem is written by Kamala Das. इस poem में poetess बता रही हैं middle age mother के बारे में, मध्य आयु की जो माँ होती है उसके conflicts, उसकी problems, कैसे उसके जो young age के बच्चे होते हैं कैसे वो एकदम चेंज हो जाते हैं. जब तक बच्चे छोटे होते हैं माँ के आगे पीछे घूमते हैं, हर चीज़ के लिए वो माँ पे डिपेंडेंट होते हैं, उनकी कोई भी चीज़ माँ के बिना पूरी नहीं हो सकती. पर जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, टीन्स में जाते हैं और माँ मिडिल एज में आ जाती है 45-50, बच्चों का एटीट्यूड अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी माँ के लिए स्पेशली कैसे चेंज हो जाता है. बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनमें एडल्टहुड की स्टेज आ जाती है और उस समय उनका एटीट्यूड माँ के लिए उतना सॉफ्ट नहीं रह जाता, चेंज हो जाता है. और किस तरह से चेंज होता है और उन चेंजेस का माँ के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये आप इस कविता में देखेंगे जो कमला दास ने लिखी. बहुत खूबसूरत कविता है ये. मिडिल एज इज व्हेन योर चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स बट क्रिटिक्स, टर्न ऑफ फेस एंड सिवियर विद देयर टंग. मिडिल एज, मध्य आयु, वो आयु होती है जब आपके बच्चे दोस्त नहीं रह जाते. जो बच्चा माँ का दोस्त हुआ करता था, जिसकी हर चीज माँ से ही शुरू होके माँ पर ही खत्म होती थी, जो हर चीज के लिए माँ पे डिपेंडेंट होता था, जो हमेशा माँ का रास्ता देखता था हर काम के लिए, जैसे ही माँ मिडिल एज में जाती है वो बच्चा दोस्त ना होके क्रिटिक हो जाता है, आलोचक हो जाता है. स्टर्न ऑफ फेस एंड सिवियर विद देयर टंग. स्टर्न ऑफ फेस, हार्ड हार्टेड, कठोर हो जाता है और उसकी जबान भी शार्प हो जाती है, सिवियर. वो पहले जैसे फ्रेंडली बिहेव किया करता था अपनी माँ के साथ में, वो फ्रेंडली बिहेवियर खत्म हो जाता है. बड़ा शार्पली रिमार्क करने लगता है हर चीज को, बहुत सिवियर होके, बहुत हार्ड हार्टेड होके माँ से बात करने लगता है. इट्स द टाइम व्हेन लाइक प्यूपे दे बर्स्ट देयर कोकून्स. और ये वो समय होता है बच्चों का जैसे प्यूपे होता है, प्यूपे कोकून को तोड़ के प्यूपा बाहर निकलता है, आप जानते हैं. उसी तरह से बच्चे अपने चाइल्डहुड का जो शेल होता है, उस चाइल्डहुड के शेल को तोड़ के बाहर निकलते हैं, इमर्ज इन हार्श एडल्ट ग्लोरी. अब एडल्टहुड की जो ग्लोरी होती है, वो शान होती है, उसमें वो आ जाते हैं. एंड दे नो लॉन्गर नीड यू एक्सेप्ट फॉर सर्विंग टी एंड फॉर प्रेसिंग क्लोथ्स, बट यू नीड देम ऑल द सेम. अब बच्चों को मां की जरूरत महसूस नहीं होती. जरूरत महसूस होती है कब? जब उनको चाय पीना होता है
या जब उनको कपड़े प्रेस करवाने होते हैं। जब माँ से काम होता है तो ही माँ की याद आती है। पर क्या माँ को भी बच्चों की जरूरत महसूस नहीं होती? माँ को तो बच्चों की ज्यादा जरूरत महसूस होती है उस एज में, एंड बैडली टू, शायद पहले से भी ज्यादा। सो दैट when left alone, you touch their books and things and weep a little secretly. और इसलिए जब बच्चे घर से कहीं जाते हैं और माँ घर में अकेली होती है तो वो उनकी किताबों को, उनके थिंग्स को टच करके देखती है, छू के देखती है। बच्चे का बचपन याद आता है और माँ सीक्रेटली रोती भी है उस समय कि वो बच्चे जो एक समय में फ्रेंड्स हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे, आज जब हार्श एडल्ट ग्लोरी में पहुंचे तो वो क्रिटिक्स हो गए हैं, आलोचक हो गए हैं अपने पेरेंट्स के। मिडिल एजेस व्हेन योर सन टू होम यू सेंट वंस अपॉन अ टाइम द स्क्विरल्स इनविटेशन टू देयर जंगल फीस्ट। मिडिल एज वो होती है जब When your son to whom you sent, जब आप अपने बच्चे को स्क्विरल इन्विटेशन दिए थे, गिलहरी के नाम से अपने बच्चे को आपने एक इन्विटेशन भेजा था कि तुम अपने दोस्तों के साथ जंगल फीस्ट, जंगल का भोज, दावत, तो उससे मतलब है टी पार्टी। माँ ने टी पार्टी में बुलाया, उसके लिए एक निमंत्रण भेजा गिलहरी के नाम से, बच्चे छोटे, कि सारे बच्चे, उनके दोस्त चाय पार्टी में निमंत्रित हैं। वो भेजा आपने तब जब आप यंग थी, मदर यंग थी, बच्चे छोटे थे। राइटिंग इन गोल्डन इंक एंड पोस्टिंग, आपने गोल्डन सुनहरे स्याही से लिख के पोस्ट किया था। इट एट नाइट टर्न्स अराउंड एंड डिस्गस्ट क्राइंग, यू हैव लिव्ड इन अ ड्रीम वर्ल्ड ऑल योर लाइफ, इट्स टाइम टू वेक अप मदर। रात के समय वो इन्विटेशन वापस आता है और बोलता है, सारी जिंदगी तुम अपने सपने की दुनिया में जी चुकी हो माँ, बाहर आओ सपने की दुनिया से, यू आर नो लॉन्गर सो यंग, यू नो, अब तुम उतनी युवा नहीं रह गई हो। अब तुम उतनी युवा नहीं रह गई हो कहने का मतलब, अब तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब तुम गिलहरी के नाम से इनविटेशन दोगी, दे विल नॉट एंटरटेन, वो लोग इस चीज को आनंद के रूप में, मजे के रूप में नहीं लेंगे। तो इस कविता में, मिडिल एज कविता में, कमला दास जो पोइटिस हैं, वो इस बात को कहना चाह रही हैं, बताना चाह रही हैं कि जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उनकी माँ पे डिपेंडेंसी ख़त्म होती है, और माँ पे डिपेंडेंसी ख़त्म होने के बाद वो स्टर्न ऑफ फेस एंड सीवियर विद देयर टंग हो जाते हैं, चेहरा उनका कठोर हो जाता है, माँ से शार्पली बात करने लगते हैं। और उसमें कोई, माँ को भी इस बात को समझना चाहिए कि वो अब उतनी यंग नहीं रह गई और बच्चे जो है वो बड़े हो चुके हैं, लेकिन फिर भी माँ को जब मौका मिलता है वो जाके बच्चों की, जब माँ, बच्चे घर पे नहीं है तो अकेले में माँ जाके उनकी चीज़ों को छूती है, रोती है याद करके बच्चे का बचपन, उस समय को याद करती है जब उसने गिलहरी के नाम से निमंत्रण भेजा था बच्चों को और उसके दोस्तों को टी पार्टी में, चाय पार्टी पे बुलाया था, लेकिन अब वो समय बीत चुका है, माँ मिडिल एज में आ गई है, बच्चे बड़े हो गए, तो माँ अब अपने सपने की दुनिया से बाहर निकले और रियलिटी को एक्सेप्ट करें, रियलिटी को स्वीकार करें कि समय बीत चुका है, वो टाइम निकल चुका है, बच्चे बड़े हो चुके हैं और माँ भी प्रौढ़ावस्था में, मध्य आयु में पहुँच चुकी है।
अंडरस्टूड द पोएम? अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू फ्रेंडली चिल्ड्रन ग्रो अप टू? फ्रेंडली चिल्ड्रन जो बहुत ही दोस्तों जैसे बिहेव करते थे, वो फ्रेंडली चिल्ड्रन बड़े होके क्या हो जाते हैं? पहला प्रश्न है आपके लिए. आलोचक. जो बच्चे छोटे थे तो माँ की हर बात मानते थे, हर काम उनका माँ से शुरू माँ पे ख़त्म, वो अपने ही पेरेंट्स के क्रिटिक्स हो जाते हैं. ठीक है, आंसर वन, फ्रेंडली चिल्ड्रन ग्रो अप एज क्रिटिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स. क्रिटिक्स ऑफ देयर पेरेंट्स विथ स्टर्न फेस. Stern face and severe tongue. Friendly children grow up as critics of their parents. किस तरह के? उनका जो face रहता है stern हो जाता है और tongue जो होती है वो sharp हो जाती है, कटाक्ष करने लगते हैं. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू चिल्ड्रन एक्सपेक्ट मिडिल एज्ड मदर टू डू? चिल्ड्रन अपनी मध्य आयु वाली माँ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मध्य आयु वाली माँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनको चाय बना के दे, उनके कपड़े प्रेस करके दे. आंसर टू, चिल्ड्रन expect their middle-aged mother, their middle-aged mother to serve them with tea and also iron their clothes. Middle-aged mother से बच्चे चाहते हैं कि वो उनको चाय दें, उनके कपड़े प्रेस करके दें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द मिडिल एज्ड मदर डू व्हेन हर चिल्ड्रन लीव हर अलोन? मध्यायु की माँ क्या करती है जब उनके बच्चे उनको छोड़ के चले जाते हैं? उनकी चीज़ों को टच करती है, उनकी चीज़ों को देखती है और रोती भी है, है ना? आंसर 3, द मिडिल एज्ड मदर touches the books and other things of her children and also weeps secretly when she was left alone. जब वो अकेली रहती है
तो उन चीजों को टच करती है, देखती है और रोती है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन हैड द मदर सेंट एन इनविटेशन इन द नेम ऑफ अ स्क्विरल एंड टू होम एंड फॉर व्हाट? माँ ने गिलहरी के नाम से कब निमंत्रण भेजा था, किसे भेजा था और किस लिए भेजा था? तो गिलहरी के नाम से निमंत्रण भेजा था व्हेन शी वाज यंग, जब वो युवा थी, भेजा था अपने बेटे और उसके दोस्तों को। और किस लिए भेजा था? चाय पार्टी के लिए, टी पार्टी के लिए निमंत्रण भेजा था। आंसर फॉर द मदर हैड सेंट एन इनविटेशन, सेंट एन इनविटेशन इन द नेम ऑफ अ स्क्विरल इन द नेम ऑफ अ स्क्विरल व्हेन शी वॉज यंग, व्हेन शी वॉज यंग शी हैड sent it to her son and his friends for a tea party, for a tea party. तो ये भेजा था उसने किसको? अपने बेटे को और उसके दोस्तों को। किसके लिए? चाय पार्टी के लिए, टी पार्टी के लिए। यू हैव रिटन फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, शैल आई वाइप इट आउट? ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज इट टाइम टू वेक अप नाउ? जागने का समय क्यों है? किसके जागने का समय? पहले तो ये सोचना है किसके जागने का समय है। माँ लोगों के जागने का समय, जो सपनों की दुनिया में वो जी रहे थे कि उनके बच्चे सिर्फ उनके हैं, कभी उनके अपोजिट नहीं होंगे, कभी उनको अपोज नहीं करेंगे, हमेशा माँ के साथ वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे बचपन में, और माँ हमेशा यंग रहेगी, युवा रहेगी। ये एक ड्रीम वर्ल्ड था और अब इस ड्रीम वर्ल्ड से जागने का समय आ चुका है, माओं के ड्रीम वर्ल्ड से। अब वो उतनी युवा नहीं है, अपनी यंग एज को स्किप कर चुकी है और अब वो मिडिल एज वुमन है। आंसर 5, इट इज टाइम टू वेक अप mother as she is not so young she has skipped out of her young age skipped out of her young age she
she has skipped out of her young age and she is a middle-aged woman. It is time to wake up, mother, as she is not so young. She has skipped out of her young age and she is a middle-aged woman. Now, चाहे तो एक शब्द और इसमें जोड़ लीजिए. This is the last question. You have written all things. So that's all for now. See you in the next class. Thank you.